गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन दिस वीडियो आई विल रीड चैप्टर टेन क्लास फोर्थ साइंस फोर्स वर्क एंड एनर्जी सो लेट्स रीड इट इफेक्ट ऑफ फोर्स ठीक है व्हाट हैपन वेन यू पुश अ चेयर द चेयर मूव्स व्हाट हैपन वैन यू थ्रो अ बॉल द बॉल फ्लाइस थ्रो द एय बताया गया है कि जहाँ किसी चेयर को किसी कुर्सी को धक्का देते हैं तो वो क्या हो जाती है मूव हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है इसी तरह जब हम किसी बॉल को अगर हम कि uh, करते हैं या फिर आगे पीछे पुश कर, वो करते हैं तो क्या होती है वो थोड़ी जंप हो जाती है हवा के ऊपर की तरफ जंप होती है तो ये क्या होता है इसी के बारे में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स ठीक है फोर्स के बारे में पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है एनी पुश और पुल डेट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स वैन वी अप्लाई फोर्स इट कैन इट हैव इट कैन हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स देखिए जब फोर्स क्या होता है पहले हम फोर्स को समझेंगे जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी वस्तु पर जब हम कोई आ, किसी को उसको खिसकाने के लिए पुश करते हैं या पुल करते हैं जैसे हमें अगर हम कहीं मॉल में जाते हैं तो हमें डोर ओपन ग्लास का डोर होता है तो हमें ओपन करना होता है सो so, हम क्या करते हैं उसको पुश करते हैं पुल करते हैं आगे की तरफ पुल करते हैं तब वो गेट खुलता है या फिर हमें किसी चीज़ को किसी हैवी बॉक्स को घिसकाना होता है तो हम क्या करते हैं उसको पुश करते हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा चेंज हो जाता है तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है तब हम उसमें क्या लगा रहे होते हैं फोर्स तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसमें पुश या पुश पुश या पुल कर रहे हैं तो हम उसमें क्या लगा रहे हैं फोर्स जब हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है उसकी इट कैन डिफरेंट इफेक्ट उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं जैसे फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट अ बॉल मूव्स वैन इट किक इकट अ बॉल मूव्स वैन वी किक किट मतलब कि जब भी हम किसी बॉल uh, को किक करते हैं लात मारते हैं तो हम देखते हैं कि हमने उसने लात मार के क्या किया उसमें एक फोर्स लगाया तो फोर्स उससे क्या हुआ जो बॉल था जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या हुई पोजिशन चेंज हो गई या फिर वो मूव करने लगा है ना मूव करने लगा अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट अ बॉल स्टॉप मूविंग वैन इट कैच इट या फिर हमने किसी फोर्स लगा के उसी बॉल को हमने अगर कैच ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं वो एक स्टॉपिंग साइलेंट मोड पे आ जाएगी तो फोर्स क्या करता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को क्या करता है स्टॉप भी कर सकता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल player kicks a मूविंग बॉल टू चेंज its डायरेक्शन फोर्स क्या करता है कोई ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है इसकी डायरेक्शन अभी यहाँ पर है तो हम इसको किक मार कर आगे पुश कर सकते हैं तो ये इसकी पोजीशन है अभी इसको हम किक मारेंगे तो ये चल के थोड़ा आगे जाएगी कहीं ना कहीं डायरेक्शन में तो हम क्या कर सकते हैं किसी ना हम इस पर किक मारते हैं तो ये इसकी पोजीशन तो चेंज करती है कि पहले यहाँ पे थी पोजीशन चेंज हुई उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ज़रूरी नहीं ये सीधी ही जाए तो हम उसको किक करते हैं समटाइम वो इधर अलग अलग डायरेक्शन भी जाती है तो फोर्स क्या करता है डायरेक्शन को भी चेंज करता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट द शेप ऑफ चपाती दो चेंजेस वेन वी प्रेशर जैसे कि हमने देखा है कि फोर्स क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की आ, कुछ ऑब्जेक्ट की शेप को भी कर हम, आ, है तो तो चेंज कर है। सकते हैं जैसे कि हम आटा ऐसे ही आटा होता है उसमें हम फोर्स लगाते हैं है ना डो बना लेते हैं आटा गूँद के तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो कैसी होती है उसकी पोजिशन चेंज हो जाती है और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जिससे हम समझ सकते हैं जैसे कि एक हम फॉर्म ले लेते हैं तो फॉर्म हमें दिखता है कि फॉर्म कितना बड़ा होता है बहुत काफ़ी बड़े साइज़ का होता है तो हम उसको कस के प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है छोटे फॉर्म में हमारा हो जाता है तो फोर्स लगा के हम साइज़ उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं इसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्स फोर्स के कुछ टाइप्स होते हैं तो हमारी जो नेचर है उसमें अलग अलग टाइप के फोर्स पाए जाते हैं मस्कुलर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तो अगर बहुत सारे फोर्स होते हैं जिसमें ये थ्री बहुत कॉमन फोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी वॉट हैपन वेन वी थ्रो अ बॉल अप इन टू द ईयर इट इज़ फर्स्ट राइज अप दैन सीम टू स्टॉप एंड देन फॉल टू ग्राउंड वाई डज इट फॉल डाउन वाई डजेंट कीप गोइंग अपवर्ड्स दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द फोर्स डैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी क्या होता है देखिए जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं आसमान की तरफ फेंकते हैं तो हमें पता है कि वो नीचे ही आ जाती है है ना तो ऐसा क्यों होता है ये होता है ग्रेविटी की तरफ की वजह से जो हमारी अर्थ होती है जिस ये अर्थ हमारा एक प्लैनट है जिसमें हम रह रहे हैं तो ये अर्थ में एक ग्रेविटी होती है जो सब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जब हम कुछ फ़ोर्स लगा के किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या करती है जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ खींचती है और नीचे के ले आती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी फोर्स से ज़्यादा होती है तो वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ गिराती है friction when two surfaces are in contact with each other they exert a force called the force of friction on each other each surface exert a force in the opposite direction to the other so each force resists the motion of one surface and on the other friction slow down the movement they keep some two surfaces कॉन्टैक्ट से आपस में क्या होता है एक फोर्स लगता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच में क्या होता है एक फोर्स लगता है ठीक है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं जैसे कि हम चलते हैं तो जो फर्श है सरफेस है नीचे का और हमारे पैर इन दोनों के बीच में क्या है एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसी तरह जो गा कार है गा किसी भी गाड़ी की जो टायर है और जो फर्श सरफेस है इसमें भी एक फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो रहा है इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है फ्रिक्शंस लगता है ठीक है इसके बाद है वर्क वैन वी यूज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस वी से डेड वर्क इज डन जब भी हम फोर्स का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो हमने देखा है हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो मूव होती है और कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करती है तो इस जो उसने ट्रैवल किया तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उसका वर्क कंप्लीट हुआ जैसे कि हम क्या करते हैं आ, हम शॉपिंग मॉल जाते हैं शॉपिंग मॉल में हमें काफ़ी सारा हमने सामान खरीद लिया तो हमें उसको सामान को रखने के लिए हमें क्या होता है ट्रॉली की जरूरत होती है तो ट्रॉली देखो तो अपने आप तो नहीं आती है ट्रॉली हमको लेके आनी पड़ती तो हम क्या करते हैं फ़ोर्स लगाते हैं ट्रॉली में सामान भरते हैं ट्रॉली हैवी हो जाती है फिर उसमें फ़ोर्स लगा के इस ट्रॉली को पूरा जो वहाँ पे जो काउंटर होता है बिल काउंटर वहाँ तक लेके जाते हैं तो देखिए हमने क्या कराया विल काउंटर से लेके गए जिससे हमारा क्या हो गया बिल का वहाँ पर पेमेंट हो जाता है तो वहाँ पर वर्क क्या होता है डन हो जाता है तो मगर हमने जो ट्रॉली उठा में सामान डाला था ट्रॉली में तो उसको हमें फिर मूव मुम, हमें मूवमेंट कराना पड़ा तो हमने मूवमेंट कराने के लिए हमने क्या लगाया इसमें फ़ोर्स लगाया हम इसको धक्का देते हैं मूव आगे की तरफ पुश करते हैं तभी तो ये ट्रॉली चलती है तो इस तरह ये क्या होता है वर्क डन हो जाता है सिंपल मशीन्स sometimes we use tools to make our work easier the tools that make our work easier are called simple machines simple machines have the following uses they make our work easier <coughs> they help us to do our work faster they help us to do our work with lesser force they are different type of simple machines that we use in our daily life some of the example of simple machines are lever pulley इंक्लाइंड प्लेन स्क्रू व्हील एंड एक्सेल तो देखिए सिंपल मशीन क्या होती है समट है कि हमें अपना काम को आसान करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है जैसे कि हमें लिखना है तो हमें पेंसिल की जरूरत होती है कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो ग्रेजर की जरूरत होती है पेंसिल अच्छे से राइटिंग नहीं आती तो हमें शार्पनर की भी ज़रूरत होती है इसी तरह हमें बहुत सारे काम करने होते हैं जिसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है और ये सारे टूल्स को हम क्या कहते हैं सिंपल मशीन कहते हैं ये टूल्स क्या हेल्प करते हैं हमारी हमारा काम ईजी करते हैं और हमें हमारे काम को करने में फास्ट टाइम की बचत करते हैं हमारा काम जल्दी करवाते हैं और भी हमें किसी की हेल्प की भी इससे ज़रूरत नहीं होती है और हम बहुत कम एनर्जी लगाकर हम बहुत कम फोर्ट लगा के अपना काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें से कुछ सिंपल मशीन कौन कौन सी है लीवर है पुले है इंक्लाइन प्लेन है देखिए तो लीवर का यूज़ क्या होता है देखिए हमारा अगर टायर ये पंचर हो जाता है या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो जाती है अ लीवर इज सिंपली बार रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट ऑन विच इट कैन मूव अ लीवर इज़ यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट विद लेसर फोर्स इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कटिंग थिंग्स एंड ओपनिंग सीजर्स हैमर एंड बोटल ओपनर एग्जाम्पल ऑफ लीवर देखिए बहुत सारे टूल्स लीवर के अंदर आते हैं जैसे कि लेट्स है देखिए सीजर है ठीक है बोटल ओपनर है ये तो ये टूल्स क्या करते हैं देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है हमें तो ये क्या कर रहा है इसको टायर को उठाने में जिससे हम इसको चेंज कर सकें ईजिली तो हेल्प करेगा सीजर हमने देखा कितने काम हमारे आसान करती है कुछ चीज़ हमें कटिंग करनी होती तो हम कर लेते हैं नहीं तो अगर हम उसको हाँ हार्ड से करने लगें काटने लगें तो बहुत मुश्किल होगा बोटल ओपनर है तो ये सारे टूल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं देखिए ये पहले हमारे देखो पहले हमें पता है कुएँ वगैरह होते थे तो यहाँ पे ये ये लगा होता था इसको पुले बोलते हैं जिसमें रोम एक रोप होती थी इसमें हम बकेट को लटका देते हैं जिससे वो हम उसको खींचते हैं तो पानी नीचे बाल्टी जाती है तो पानी भर के ऊपर आता है तो ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं काम को आसान करने में इसके बाद है इं, इंक्लाइंट प्लेन इंक्लाइंट प्लेन इज अ स्लोप ओवर द वी हैवी ओवर विच हैवी object can be pushed up or down. Inclined plane is used for loading having object into truck. देखिए ये inclined plane इस तरह का use किया जाता है जैसे बहुत ज़्यादा जब heavy heavy चीज़ें होती हैं जो काफ़ी heavy object होता है उनको truck वगैरह में load करना होता है तो हम इसका use करते हैं जैसे वो इजली truck वगैरह या फिर बड़े बड़े जो भी instrument वो होते हैं object होते हैं उनको load कर जाते हैं इसके बाद है स्क्रू स्क्रू तो पता ही है किसी भी चीज़ को कसने के लिए हमें स्क्रू का कर यूज़ करते हैं है ना इसके बाद है व्हील एक्सेल व्हील एक्सेल का देखिए व्हील ये होता है ये पहिया होता है एक्सेल इनके एंड के बीच की होता है व्हील एक्सेल मोस्टली किस में पाया जाता है साइकिल होता है और ये सब इन सब चीज़ों में कनेक्ट करने के लिए पाया जाता है बायसाइकिल में फ़ैन में विंड मिल में स्ट्रिंग में काफ़ी चीज़ों में वी इस का व्हील बनाया जाता है व्हील और एक्सेल का यूज़ करते हैं जो हमारा काम ईजी करते हैं एनर्जी एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क एनर्जी क्या होती है हमें काम करने के लिए जो एबिलिटी जो ताकत चाहिए होती है इसको हम एनर्जी कहते हैं ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू लिव जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको एनर्जी ज़िंदा रहने के लिए या फिर क्या ज़रूरत होता है एनर्जी की ज़रूरत होती है वी नीड एनर्जी टू इट प्ले रन एंड वॉक जैसे कि हमें कुछ भी काम करना है हमें भागना है खेलना है रन करना है चलना है हमें भी इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है सोर्स ऑफ एनर्जी सन विंड एंड वाटर आर सम कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखिए हमें पता ही है सोर्स ऑफ एनर्जी सन विंड वाटर ये तो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बहुत ज़रूरी होते हैं सन सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ द एनर्जी डेट वी गेट फ्राम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी वी गेट सोलर एनर्जी इन द लाइट फॉम फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट ठीक है तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सन क्या है सन क्या मेन सोर्स होता है हमारी एनर्जी का ये सोलर पैनल हीटर होते हैं जो क्या होता है सन की जो हीट निकलती है सन की जो रेज होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं जिससे काफ़ी सारे यूज किए जाते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी बना के काफ़ी सारे यूजेस किए जाते हैं लाइट द सन इज अ मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट सन लाइट इज यूज टू सनलाइट इज़ यूज बाई प्लांट्स फोटो सिंथेटिक्स कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो लाइट इससे क्या होता है लाइट भी बनाई जाती है जैसे सन की लाइट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है इससे सोलर हीटर होते हैं और इससे क्या होता है लाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के भी की तरह भी यूज़ किया जाता है हीट द सन इज ऑल्सो मेन सोर्स ऑफ हीट द वाटर इज हीटेड एंड फूड इज़ कुकड थ्रू द सोलर हीटर एंड सोलर कुकर सोलर कुकर बनाया गया सोलर कुक हीटर बनाए गए जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम खाना को भी पका सकते हैं सोलर कुकर में और ये किसके द्वारा होता है सन की हीट के द्वारा मिलता है हमें विंड विंड कैन also be यूज फॉर प्रोड्यूस एनर्जी the एनर्जी that वी गेट from विंड is कॉल्ड विंड एनर्जी देखिए विंड से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको विंड एनर्जी बोलते हैं और ये भी प्रोड्यूस होती है विंड के द्वारा ठीक है विंड एनर्जी कैन टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल ये ब्लेड्स लगे होते हैं ये टर्न करते हैं तो ये एनर्जी को एकदम सब चल सारे फैन लगातार चलते रहते हैं तो ये क्या करते हैं एनर्जी को जनरेट करते हैं ठीक है विंड मिल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दिस विंड मिल कैन भी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और ये एनर्जी को जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट uh, करते हैं वाटर मूविंग वाटर कैन ऑल्सो भी यूज फूल प्रोड्यूस एनर्जी पानी भी क्या कर सकता है एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं द एनर्जी डेट वी गेट फ्राम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी पानी से जो हमें एनर्जी मिलती है जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं वो उसको उसका नाम दिया गया है हाइड्रो एनर्जी वी कंस्ट्रक्ट डैम दैन कन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग हीज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सॉरी देखिए हम क्या करते हैं बहुत बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या पानी जब बहुत ज़्यादा भाव तेज होता है तो हम पे डैम बना देते हैं इस तरह के डैम होते हैं जिससे पानी एक तरह से फ्लो होकर एक जगह इकट्ठा नहीं होता है फ्लो होता चला जाता है और ये जो डैम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं दे आर मेनली अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एस नेचर इन एस वेल सम ऑफ दैम आर मैकेनिकल केमिकल हीट लाइट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल एंड साउंड एनर्जी दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर देखिए और भी अदर एनर्जीज होती हैं जिनके बारे में हम आगे कभी नेक्स्ट आपकी क्लासेस में पढ़ा जाएगा मगर इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है मैकेनिकल होती हैं कैमिकल हीट लाइट ये सारी भी साउंड एनर्जी सारी एनर्जीज भी होती हैं जिनके बारे में हम बाद में आगे की क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, एक बार ये चैप्टर आप खुद से रीड करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग